सुनिए एक छोटा सा गीत मेरी तरफ से। आपने कहा कि क्रांतिमाला जी ये मंच ऐसे गीतों का नहीं है जैसे गीत आप गा रही हैं। यानी मैंने एक गीत आपसे गा दिया भजन जाए भाड़ में, तो आपने कहा ऐसे गीतों का नहीं है, यानी कोई भावनात्मक प्रसंग सुनाना चाहिए। हालांकि लोगों ने उसको पसंद किया, ये बात जनता ने पसंद किया, सराहा, वो तो आपकी अपनी मर्जी है कुछ भी कह दें। अब आपने कहा है तो एक गीत मैं आपको सुना रही हूँ, सुनिए। एक गीत बजा, कौन सा? फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। क्या? हेलो बड़ा तो भी हल्का सा। हेलो बस ये देखो, बंबई वालों ने एक गीत गाया, कौन सा? के जीवन के सफर में तुझको जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। दिया कैसे जलेगा अकेले, बाती की जरूरत होगी, बाती की जरूरत हो। तो मैं बनूंगी पिया, कि मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, दिया पथ पे जलाने दे तो साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ आने दे, मुझे साथ अगर बहुत कुछ उम्मीद आप हमसे कर रहे हैं तो हम भी आपसे कर रहे हैं। और क्या? और फिर आप आपसे ज्यादा होनी चाहिए। और क्या? क्योंकि आप यहाँ से परिचित हैं, आपको पता है कैसे क्या करना है। और क्या? लेकिन दूसरे के गीत को भी समझने का प्रयास करिए। प्रयास करिए, ज्यादा भड़बड़ मत बताइए, आराम से गाइए, लोगों को समझ में आए। अब गीत सुनिएगा मेरा, कि रावण ने लंका नगरी में ऐलान कर दिया, प्रसंग को सुनिएगा, कि रावण ने लंका नगरी में ऐलान कर दिया, जब मृत्यु भय ने उसको परेशान कर दिया, तो करने अनिष्ट राम का प्रयुक्त होगा वो, आजीवन मेरी कैद से वो मुक्त होगा वो। कौन? रावण ने शनिदेव को अपने यहाँ उल्टा टांग रखा था, लेकिन जब रावण को ये लगने लगा कि राम मुझे मार देंगे, तो रावण ने शनि को सीधा किया, सीधा किया और कहा कि है शनिदेव जाओ, जाओ करने अनिष्ट देव का, शनिदेव चल पड़े, राम का काम बिगाड़ने चल पड़े।
करने अनिष्ट देव के करने अनिष्ट राम का शनि देव चल पड़े, पर शनि देव को मनाने सूर्य देव चल पड़े। सूर्य देव आ गए, उन्होंने शनिश्चर से कहा कि ये शनि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। वो कहने लगे के बोले है पुत्र स्वप्न वो साकार हुआ है, के बोले है पुत्र स्वप्न अब साकार हुआ है, तो अपने ही कुल में राम का अवतार हुआ। बिगाड़ने जा रहे हो, लेकिन ये राम तो अपने ही कुल में यानी सूर्य वंश में जन्मे हैं। तो मेरी बात सुनो, ये प्रभु राम और सीता साधारण नहीं है, ये हैं कैसे, कैसे हैं? के सीता है आदि शक्ति श्री राम नारायण, सीता है आदि शक्ति श्री राम नारायण, तो सदियों से कहती आई देखो ये रामायण। तो जब ये राम आएंगे तो धरनी पे धर्म ध्वज का ये प्रचार करेंगे, और रावण के जैसे पापी का संहार करेंगे। नंदिनी रामचंद्र है कौन? शनिदेव को सूर्य बताने लगे। हेलो भैया, इसको थोड़ा बढ़ा दे। बढ़ा दे भैया, बढ़ा दे। आप सत्यमानी, आपके साउंड में इतनी मेहनत लग रही है, मैं कुछ कह नहीं सकती। बढ़ा दो आवाज, बढ़ा दो। हेलो, पता नहीं क्यों इसकी आवाज, कौन से बैंक में जमा करेंगे आप बचा करके? भारतीय स्टेट बैंक। इसको, इसकी आवाज बढ़ाइए बहुत कलेजे से। एक तो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, आज चौथी रात है और अभी कई दिन गाना है, थोड़ी कृपा जरूर करें। बढ़ा दे भैया, बढ़ा दे। देखिए भगवान श्री राम के बारे में सूर्य देवता बताने लगे, कहने लगे राम और जानकी है कैसे, कैसे कि राम है युग पुरुष, राम है युग पुरुष आज शिव का धनुष, राम आज शिव का धनुष तोड़ने जा रहे हैं, और तुम रास्ते में जाकर मलाल पैदा कर रहे हो। तो राम है युग पुरुष आज शिव का धनुष भंग करते हैं करने दे। वो जो सीता है शोभा सम्मान की जग जननी जानकी, शोभा सम्मान की जग जननी जानकी, उन्हें वरती है वरने दे। एक भैया हमारे भी प्रयास पर 100 मुद्राओं का पुरस्कार दे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और हृदय से नमन कर रही हूँ। देखिए उन्होंने कहा कि राम और जानकी हैं कैसे, कैसे प्यास चातक मिटाएगा कैसे, स्वाति की जरूरत होगी, स्वाति की जरूरत होगी। अगर राम चातक हैं तो सीता स्वाति की बूंद हैं। अब कैसे कैसे दीपक जलेगा अकेले, तो
पाती की जरूरत होगी। प्रभु राम रूपी दीपक बिना सीता रूपी बाती के कैसे जल सकता है? लेकिन इसलिए महल मन से हटा, महल मन से हटा, राम यश की छटा आज भू पर बिखरने दे, तो शोभा सम्मान की जग जननी जान की उन्हें वरती है वरने। रामवीर भैया एक बार जोरदार तालियों से हमारी माता जी का सम्मान करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपको आंटी जी कि हम कलाकारों का भी आप सम्मान कर रही हैं। और क्या, कम से कम हम लोग भी कानपुर जाकर याद रखेंगे एक आंटी मिली थी। कोई पुरस्कार नहीं दे रहा था लेकिन एक आंटी तो दे ही रही थी। और क्या, भले ही कमेटी ना दे रही हो आंटी तो दे ही रही थी। लेकिन रामवीर भैया गीत को सुनिएगा, सुनिए। और निवेदन कर रही हूँ कि आज की जवाबी ऐतिहासिक हो। और प्रयास मेरा भी है लेकिन मजा तब है जब ये रसिया वाला काम छोड़ के जवाबी हो जाए। प्रयास आप भी करिए, ये रसिया किनारे रख दीजिए, जवाबी करिए। और क्या, ये लड़का जो आपके यहाँ ढोलक बजाता है वो ये डार डा डा डारा डा डार डा डा डारा डा डा डार डा डा डारा ऐसी हो ही जाएगी। ये नहीं ऐसी करोगे तो तुम्हारी भी देखो फिर ऐसी की देखो फिर तैसी हुई जाएगी। ये नहीं जवाबी करिए लोगों के एक एक अक्षर समझ में आए। जवाबी सब है, छंद सवैये और रसिया का सारा मामला जो आप घर से कॉपी में भर के लाए वो सुना रहे हैं। और क्या, ये जवाबी नहीं मेरी समझ से। हमारे यहाँ ऐसी जवाबी नहीं होती, जवाबी तब है जब इसको किनारे करके जवाबी करिए। नहीं, यहाँ भी ऐसी जवाबी नहीं होती जैसी आप ये कर रहे हैं। मंच का प्रयास करिए, मंच का। अब देखिए इधर एक बात और कही सूर्य देवता ने कि राम जानकी है कैसे, कैसे? प्रीत राम और जानकी का प्रेम कैसा है समझाओ। प्रीत इनकी पुरानी है ऐसी जैसे होती पतंग बिन डोरी, जैसे होती पतंग संग में डोरी, जैसे पतंग के साथ डोर होती है। ये प्रीत है। और लख रही जानकी प्रभु को ऐसे, राम को सीता ने देखा जब वाटिका में, तो कैसे देखा, कैसे के लख रही जानकी प्रभु को ऐसे जैसे चंदा को लखती चकोरी। जैसे चंदा को चकोरी लख रही है तो कहा पुत्र है प्यारा तू चाह रहा है मैं धनुष में कोई उत्पात मचाऊं धनुष टूटे ना, पर पुत्र है प्यारा तू राम के द्वारा तू मांग सीता की भरने दे, तो शोभा सम्मान की जग जननी जान की उन्हें वरती है वरने। तीसरी और अंतिम बात रामवीर भैया, गीत में छुपाऊंगी कुछ नहीं। और क्या, आप तो बहुत जवाबियां करते हैं। और का विधानसभा चल रही है। एकदम खुली बात है,
जैसे जैसे चल रहा है। घबराइए नहीं, प्रेम से गाइए। राम और जानकी जब उस मंडप में है तो देखिए कैसा लग रहा है। कैसा? यदि कमलिनी, यदि कमलिनी कली जानकी तो भानुकुल के प्रभु राम दिन करे, भानुकुल के प्रभु राम दिन करे। जैसे सूर्य के निकलते ही सूरजमुखी का फूल खिल जाता है, वैसे ही वो दिनकर हैं और ये कमलिनी कली हैं। समझो। और आज मुख कमल का वो मकरंद करते, पान रघुराई बन करके मधु करे। किसी कली में कोई भावरा, उसी प्रकार ऐसे हैं दोनों। तो किशन जोड़ी जुड़े होश खल के उड़े, किशन जोड़ी जुड़े होश खल के उड़े, तो भार धरती का हरने दे, तो शोभा सम्मान की जग जननी जान की उन्हें वरती है वरने दे। रामचंद्र की साथी की जरूरत होगी, साथी की सुंदर प्रसंग आया। सुख सम्मान की माता है जानकी, उन्हें पढ़ते हैं पढ़ने दे, उन्हें पढ़ते हैं पढ़ने दे, उन्हें पढ़ते हैं।
रहा था कि कुछ आप भी करना, कोशिश की है मैंने, शायद आपको वो पसंद आए। शनि देव सूर्य देव से सब भेद पा गए, शनि देव सूर्य देव से सब भेद पा गए, सुनकर के राम का सुयस आनंद छा गए। उनके जो संस्कार थे हृदय को भा गए, ले जानकी को राम अयोध्या में आ गए, जानकी को लेकर के राम अयोध्या में आ गए। उधर प्रसंग आपका चल रहा था जहां पे शनि देव को समझा रहे थे सूर्य देव, हो गई अबद कुत घोषणा के उत्सव मनाए जाएंगे, अरे प्राणों से प्यारे राम जी राजा बनाए जाएंगे। उन भावों का हो गया जब के कई के मनवास, अपने पर से पर में के कई ने मांगा राम जी को बनवास, जब के कई ने राम को बनवास मांग लिया तब कहा तपन को ये कैसे सहे, महाराज दशरथ कह रहे हैं और आप कह रही थी कि कवित्व मत गाया करो। हाँ, कोई बुरी चीज नहीं है कवित्व, अगर भाव से गाए जाए तो कवित्व का अपना अलग आनंद है। आप भी प्रयास करिए, मैं आपको कह नहीं रहा हूं, महाराज दशरथ कह रहे हैं केकई से क्या, स्वच्छ सूर्य वंश में सत्यता के अंश में कलंकित इतिहास मांगे मत केकई, कलंकित इतिहास मांगे मत केकई, कलंकित इतिहास मांगे मत केकई। मैंने चार लाइन पहले भी दी थी बड़े भैया, मैंने कहा था कि मैं चार लाइनों का जवाब आपसे चाहूंगा, आप जवाब ही गा रहे हैं। चार लाइन थी मेरी, कंस जैसे अपने भी गैर नहीं होते निर्बल, कंस जैसे अपने भी गैर नहीं होते, पूछ के प्रहलाद की वो खैर नहीं रोते, उच्च वंशी रावण से बैर नहीं ढोते, यदि पैसे वालों के गुलाम होते भगवान तो निर्धन सुदामा के पैर नहीं। मैं हाथ जोड़ करके पूछ रहा हूँ क्या इसमें कोई रसियाबाजी है, हाथ खड़ा करके बताओ कोई रसियाबाजी है? हाँ, कोई रसियाबाजी नहीं। बहन जी अंगूर खट्टे मत कहो, चार पंक्तियां मैंने दी थी, चार पंक्ति फिर आपको दे रहा हूँ। स्वच्छ सूर्य वंश में सत्यता के अंश में कलंकित इतिहास मांगे मत, कलंकित इतिहास मांगे मत, कलंकित इतिहास मांगे मत के कई, अरे कलंकित इतिहास मांगे मत के कई। और देखना है इस कवित की तालियां, अबे आपने बहुत टोंटबाजी की है, अब ताली सुन लेना आपके कलेजे तक आवाज पहुंचेगी। क्या कलंकित इतिहास मांगे मत के कई, और महाराज दशरथ कह रहे हैं कलंकित इतिहास मांगे मत के कई, बात मेरी मान ले चाहे मेरी जान ले, पर राम जी को बनवास मांगे मत के कई, राम जी को बनवास मांगे मत के कई, राम जी को बनवास मांगे मत के कई। ये दोनों है कोमल पुत्रिया, तन तपन को ये कैसे सहेंगे, तन तपन को ये कैसे सहेंगे, तन तपन को ये कैसे सहेंगे। और ये
विपन में ये कैसे रहे भैया। आदित्य जी मैं बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने दादाजी को नहीं देखा था। बहन मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी मैं कहता हूं मेरा अहोभाग्य न बन पाया, मैंने हरकिशन दत्ता जी को नहीं देखा, लेकिन आज उनके पुत्र को मैं देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगा है कि शायद मैंने दादाजी को देख लिया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके आप लोग इनका स्वागत करें, यह मेरा निवेदन है। ये तो महलों के रहने वाले पन विपन में ये कैसे रहे। जोड़ता हाथ में विनय के साथ में मन मनोरथ तो मन ने दे। मन मनोरथ तो मन ने दे। और अब मैं आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहूंगा, अगर जवाब में थोड़ा सा भी प्रयास बन जाए। जय जय मन मनोरथ तो मन ने दे। बात है मान जाके कहीं राम को युवराज बन दे। आज इस धूमश्री महोत्सव की एक बहुत बड़ी हम लोगों पे कृपा है। भैया गौरव जी कहाँ हैं? आप लोग कल भी आप लोगों ने कार्यक्रम सुना, एक ऐसी महान मूर्ति जिनके दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं आज हम लोगों के बीच में आशीर्वाद दे रही हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं उनके लिए। ये 101 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय उस्ताद लल्लू राम जी जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है ये हम बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा तालियां बजा करके आप लोग स्वागत करेंगे। कल्याण करें श्री कल्याण दास जी, कल्याण करें श्री कल्याण दास जी, सतगुरु सभी के प्यारे हैं। सतगुरु सभी के प्यारे, सतगुरु सभी के प्यारे। उदासीन संप्रदाय से हमारे महाराज जी जो कल भी यहां विराजमान थे आज भी बैठे हैं। कल्याण करें श्री कल्याण दास जी, सतगुरु सभी के प्यारे हैं। वो श्री श्री 1008 श्री पावन गुरुदेव हमारे हैं। पावन गुरुदेव हमारे हैं। पावन गुरुदेव हमारे हैं। और उनके परम शिष्य हैं पांडाल की तालियां उनके सम्मान में। ये भागवत भक्ता न्यारे हैं, ये धन्य धीम श्री वही जहां पे ये पावन संत पधारे। ये पावन संत पधारे, ये पावन संत पधारे। अंश की वंश रखो वंश बात सम्मान की जा रही है। बात सम्मान की जा
बना हुआ है। जा रहे हैं लखन इनके संग में और वो जान की जा रही है और वो जान की जा रही है और वो जान की जा रही है। मिटा सब शोक ले मिटा सब शोक ले रोक ले रोक ले जबीर भैया मिटा सब शोक ले रोक ले रोक ले प्रीत का तत्व छनने दे ये बात है एक ही मान ले के कई तू इनको युवराज बना ले दे आप लोगों ने जवाब को सराहा। आइए बात रशिया